मिथुन राशि वालों 2022 में खुशियां मनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। जी हाँ, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। सूरज हर शाम को डल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। दोस्तों, मुसीबत में हिम्मत मत हारना, क्योंकि मुसीबत कैसी भी हो गुजर ही जाती है। मिथुन राशि वालों हर दिन दिवाली मनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। 2022 के नए साल में जो कुछ होने वाला है उसे ब्रह्मा भी नहीं रोक सकेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना है, समय का पहिया जब घूमता है तो इंसान अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ते हुए रंग से बराजा बन जाता है। इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं पिछले समय में आपने न देखने वाले दिन देख लिए, बद से बदतर हालात का सामना भी कर लिया, लेकिन आप कोई भी परेशानी से गुजर क्यों न रहे हो उसका अंत होने जा रहा है, क्योंकि 2022 के नए साल में ब्रह्मांड में बहुत बड़ी खगोलीय घटना घटित होने जा रही है और उसका अहम प्रभाव आपकी मिथुन राशि पर पड़ने वाला है, क्योंकि 2022 में काल विनाशक दोष दूर हो चुका है। 7 मार्च से बुध ग्रह भाग्य भाव में गोचर करेंगे। गुरु 14 अप्रैल से कर्म व्यवसाय भाव में गोचर करेंगे तो मंगल 11 अगस्त से विदेश भाव में संचरण करेंगे, जिसके आधार पर होगा 7 परेशानियों का अंत और मिलेंगे 9 वरदान। मिथुन राशि फल 2022 के अनुसार आपको कड़ी मेहनत का फल और धन पुरस्कार के रूप में मिलेंगे, क्योंकि आप सभी किस्म के लाभ प्राप्त करने के लिए लालायित है। जीवन में खुशियां प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसका उचित फल आपको लाभ सफलता और धन के रूप में अवश्य प्राप्त होगा। जब वर्ष के प्रारंभ से ही व्यक्तिगत तौर पर गठजोड़ गठबंधन हो सकते हैं, राजनीति से जुड़े जातक अपने निर्णयों के चलते लाभ प्राप्त कर पाएंगे तो बड़े पद की आशा भी कर पाएंगे। आपके पास आपकी बेहतरी के लिए बदलाव करने और जल्दी ही पैसा कमाने के ढेर सारे अवसर प्राप्त होंगे। खासतौर पर 27 मार्च के बाद शेयर मार्केट में हाथ मारने के जबरदस्त रोमांचक मौके प्राप्त होंगे और वहां मिले हुए मौके को आप हाथों हाथ ले पाएंगे। जहां छात्रों के लिए यह साल में कोर्स विषय अध्ययन के लिए शुभ रहेगा, उच्च शिक्षा प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। उच्च संस्था एवं विदेशी संस्था में जाकर पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा तो नए वर्ष में आप अपनी स्मरण शक्ति और प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए अव्वल स्थान प्राप्त कर पाएंगे। 26 फरवरी से लेकर 22 सितंबर तक का समय व्यापारियों के लिए अकल्पनीय लाभ लेकर आएगा। इस दौरान आपके कार्य पूर्ण होंगे, पुराने संपर्क लाभान्वित करेंगे, उधारी पर दिया गया पैसा भी पुनः मिलेगा। सबसे बड़ी खुशखबरी आपको अपने प्रयासों के दम पर दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त होने से मिलेगी। जी हाँ, इस नए साल में आपका प्रमोशन हो सकता है, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा तो कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से सराहना भी मिलेगी। आप जिस पद को लेकर जिस स्थान को लेकर चिंतित है या फिर आशा करते थे वह आपको पुरस्कार के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ तक सूर्य एवं बुध की युति के चलते आपका स्थान परिवर्तन होगा, इच्छित स्थान पर कार्य करने में सफल रहेंगे। नौकरी में भी बड़ा चेंज होगा, जॉब स्विच करने का अवसर मिलेगा। बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको बड़े पैकेज के साथ बुलाया जाएगा। कर के पास जाने का अवसर मिलेगा तो इस वक्त प्रतिद्वंदियों को भी परास्त करते हुए अपनी पहचान बनाने में कामयाब होंगे। विशेष रूप से जो अपनी पुरानी संपत्ति को बेचकर धन अर्जित करना चाहते हैं, जमीन मकान प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण होगी। प्रॉपर्टी का सही हिस्सा प्राप्त होगा तो जो बेचना चाहते हैं वह इच्छित दाम पर बेच पाएंगे। दूसरी ओर जो दुनिया को अपने दम पर नचाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, नया व्यापार या फिर कार्य का प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें भी प्रसिद्धि और भाग्य का सहयोग मिलेगा। आपको बड़े व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। शासन प्रशासन से लंबित कार्य पूर्ण होंगे। लोन के आवेदन मंजूर होने से आप नया स्टार्टअप शुरू करने की ओर आगे बढ़ जाएंगे। इस समय जहां पैसों के लेन देन आपके लिए सही रहेगा तो व्यवसाय में वृद्धि होगी, धन प्राप्ति का रास्ता भी मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मार्च जून अगस्त सितंबर का महीना गुप्त जगह एवं अचानक से धन प्रदान करेगा। बड़े कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो वह प्राप्त होंगे। विदेश जाकर स्थायी होना चाहते हैं या फिर विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए आपकी दुनिया पूर्ण रूप से बदल सकती है, क्योंकि इस समय आपको आगे बढ़ने के कई सारे मौके मिलेंगे। नवम घर में सूर्य का उपस्थित होना यह दर्शाता है कि आप अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में अपनी स्थिति मजबूत करेंगे। सामाजिक पक्ष से आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से भी कमाई की संभावना बन रही है। जी, आप एक से अनेक स्रोत प्राप्त करने में सफल रहेंगे। वर्ष के अंत तक बुध का आपकी कुंडली में परिभ्रमण व्यापारियों को लाभ प्रदान करेगा। जो कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, प्रिंटिंग आदि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आयात निर्यात से जुड़े हुए हैं,
पर्यटन से जुड़े हुए, लकड़ी एवं रियल एस्टेट से जुड़े हुए, तो आप सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे। पैसा मिलेगा, आप खुद पर यकीन नहीं कर पाएंगे क्योंकि महालक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा आप पर होगी। दोस्तों, कुंडली में कई ऐसे ऐसे दुर्योग है जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। सबसे बड़ा लाभ उन युवाओं को, उन जातकों को प्राप्त होगा जिनके जीवन में अभी तक प्रेम की बारिश नहीं हुई, सच्चे साथी से मिलन नहीं हुआ है, जिनका एक तरफा प्यार शुरू हो चुका है। जी हाँ, 2022 में आप अपने दिल की बात कहने में जहाँ सफल रहेंगे, तो किसी अजनबी के आपके जीवन में एंट्री हो सकती है। घर ऑफिस के आसपास कलिक के साथ आपके प्रेम के रिश्ते बन सकते हैं। प्यार होगा, नजदीक आकर समझने का, सोचने का अवसर मिलेगा, दो दिल एक जान बनेंगे। मानकर चलिए इस पूरे साल के दौरान आप अपना पूरा प्यार आपके साथी को लुटाने के लिए आतुर रहेंगे और उसमें भी कामयाब रहेंगे। पार्टनर के साथ घूमने फिरने का आनंद मिलेगा, तो जो सच्चे प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, उन्हें भी अवसर मिल सकता है। दोस्तों, अब मानकर चलिए यदि लंबे समय से दिल में कोई इच्छा, आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, तो वह भी 2022 के नए साल में अवश्य ही पूर्ण होगी। आपको व्यक्तिगत, व्यवसाय, पहचान, सुगमता और सफलता अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि यह समय आपके लिए चमकने, बड़ा करने और बड़ा आदमी बनने का है। फिर भी जोखिम संबंधित क्षेत्र में निवेश करने से पहले जरूर सोचे, स्वास्थ्य बड़ी समस्या बन सकती है। अकस्मात भय, मानसिक परेशानी एवं पारिवारिक दुर्घटना, क्लेश आपको परेशान कर सकती है, इसलिए संभल कर रहे। जय गुरुदत्त।